कैन यू सी दैट? वो पक्षी पानी पी रहा है उस पर बैठ के. सो ग्रेट सक्सेस. तो पानी रखना चाहिए. हाय गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. नया दिन, नया व्लॉग. एज यूजुअल हम मैं पी रही हूँ पानी. आई हैव तुलसी पत्ता इन इट. दिस इज मैंडेटरी ऑन आर व्लॉग्स. तो आज का मेन एजेंडा है, अभी बज रहे 8:30, मैं 8 बजे करीब उठी थी. आज का मेन एजेंडा है कल का व्लॉग एडिट करना. कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी. मैं प्रॉपर, मुझे लग रहा था मैं आज बिल्कुल व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊंगी. कल मैं स्टार्ट भी नहीं करना चाह रही थी, बट जैसे तैसे मैंने कोशिश करके स्टार्ट किया. टाइमलाइन पे सब कुछ डाला, कुछ चीजें एडिट की, एंड देन मैं एडिट करते करते सो गई. मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी एडिटिंग का काम आधा ही है. तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं बिगाड़ दूंगी, चीजें मैस्ड अप हो जाएंगी, इससे बेटर है कि मैं थोड़ा होल्ड लेती हूँ. तो दैट्स वाई कल का जो व्लॉग है, जो आप देख चुके होंगे अभी तक, तो वो व्लॉग थोड़ा सा लेट आया था. मैं अभी अपडेट डालने वाली हूँ कि व्लॉग लेट आने वाला है, और लेट्स सी कि मैं उसे कब तक कर पाती हूँ. क्योंकि अभी मैं जाके थोड़ा सा पहले घर का काम वगैरह निपटाऊंगी, उसके बाद में, क्योंकि मुझे पीस चाहिए होता है एडिटिंग के टाइम पे. मैं बाकी सारे कामों के साथ चलते फिरते एडिटिंग नहीं कर सकती हूँ. तो मुझे आराम से बैठ के उस व्लॉग को एडिट करना है. दैट्स वाई पहले मैं अपने सारे बाकी काम निपटा लूंगी, एंड उसके बाद मैं देखूंगी कि कैसे मेरे को आराम से एडिट करके आराम से डालना. भले मुझे थोड़ा लेट हो, भले मुझे दिन में डालना पड़े, शाम को डालना पड़े, बट मैं आराम से एडिट करके वो व्लॉग डालने वाली हूँ. तो अगर आप वेट कर रहे हो मेरे बर्थडे व्लॉग के लिए, तो मतलब अभी तक आप देख चुके होंगे इस व्लॉग को देख रहे, बट सो सॉरी कि मैंने उसको थोड़ा सा डिले किया. आपको मेरा रिचुअल पता है, नाउ आई एम हैविंग दिस वाटर, विटामिन डी, एंड फिर चलते हैं, दिन शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं. एंड ऑल्सो कल का व्लॉग, आई गेस व्लॉग 7 था डेली व्लॉग का. एक्चुअली इट्स 9, क्योंकि मैं उससे पहले ना वीकेंड माई लाइफ व्लॉग और स्टोरी टाइम बैक टू बैक डाल चुकी थी. अगर हम वहां से काउंट करेंगे तो 7 वीडियोज मेरे हो चुके थे पहले ही. बट जब से मैंने रेगुलर ऐसे व्लॉग्स सिर्फ स्टार्ट किए उसको मैं काउंट कर रही हूँ. तो कल वाला व्लॉग जो है वो 7th व्लॉग था. तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने कम से कम एटलीस्ट एक वीक उसको कंटिन्यू किया है. क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि मैं 1-2 दिन, 3-4 दिन डालूंगी, देन मुझे इफेक्ट करने लगता है कि लोग देख ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा डालने का, या क्या करूँ, डालूँ या ना डालूँ. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में चले जाते हो. बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कम से कम एटलीस्ट 7 डेज कम्प्लीट कर लिया है. बट अभी तो मैं इसको कंटिन्यू करना ही चाहती हूँ. अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों से कुछ सजेशंस लूँ कि आगे कुछ वीडियोज भी अगर आप चाहते हो, तो इन डेली व्लॉग्स की जगह एक आध दिन का व्लॉग मिस करके वो वीडियोज भी आपको दूँ. बट लेट्स सी वो कब मैं करती हूँ. बट फिलहाल तो अभी मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू ही रखती हूँ. तो या यही अपडेट देनी थी कि आई एम हैप्पी कि मैंने कम से कम 7 डेज कम्प्लीट कर लिए अपने डेली व्लॉगिंग के. मैंने कल या परसों के व्लॉग में आपको ये बताया था कि पापा ने अपने पौधों में मास्क लगाए हैं, बट इट रियली वर्क. सी दिस, इसमें पूरी लौकी हो चुकी है अच्छे से, यहाँ पे भी हो रही है. तो टच वुड, ये अच्छे से काम कर रहा है और ये टेक्निक सच में वर्क की है, नहीं तो अभी तक कीड़ा इसको खराब कर चुका होता और ये बिल्कुल खाने लायक नहीं बचती. तो ग्रेट सक्सेस. इन टूडेज ब्रेकफास्ट आई हैव आलू का पराठा जो कि मम्मी ने बनाया है, चटनी जो मैंने बनाई है, एंड अचार. अभी 10:15 हो रहे हैं और वीडियो मैंने एडिट तो कर ली है, एक्सपोर्ट भी कर ली है, अब अपलोड करना बाकी है. बट अभी मुझे पापा के टिफिन के लिए रोटी बनानी है. सो मुझे थंबनेल वगैरह बहुत कुछ सेटिंग अभी उसमें करनी है. तो मैंने सोचा था शायद 11 बजे मैं अपलोड कर दूंगी, बट नहीं हो पाएगा. तो अब जब लेट हो ही रहा है तो इत्मीनान से काम किया जाए. तो मैं पहले पापा के टिफिन के लिए रोटी वगैरह बना लेती हूँ, देन उस वीडियो को बाकी सारी चीजें कंप्लीट करूंगी, एंड देन अपलोड पे अभी डाल देती हूँ ताकि जल्दी से अपलोड हो जाए. गेस व्हाट गाइज, इट्स 10:59 एंड आई एम डन विथ माई वीडियो. मैंने थंबनेल भी बना लिया, सारा कुछ एडिट कर लिया है. बट आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, वो क्रोम पे, आई मीन डेस्कटॉप वाले चीज पे चेकिंग बता रहा है, मेरे कॉपीराइट उस पर चेक कर रहा है कि वो कहीं कॉपीराइट लग सकता है. बट आई डोंट थिंक, क्योंकि उस व्लॉग में एज सच मैंने कोई सॉन्ग नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला, किस चीज़ का कॉपीराइट लगने वाला आई डोंट नो. बट वो अभी चेकिंग में चल रही है प्रोसेस. मैं इजीली अभी उसको कर सकती थी लाइव, बट अब मुझे वेट करना पड़ेगा. सो लेट होना था तो अब वो हो रहा है लेट, बट नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ सम ग्लिच. इट्स 11:45, फाइनली वीडियो अपलोड हो गया है, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आया है. आई डोंट नो व्हाई,
एक ग्लिच हो रहा था कि वो कॉपीराइट सर्च कर रही थी, बट कोई कॉपीराइट नहीं लगा एंड फाइनली वीडियो अपलोड हो गया है. सो नाउ आई एम गोना गो एंड फिनिश माय हाउस वर्क एंड आई जस्ट नीड अ गुड आइस कॉफ़ी, तो मैं वो बनाऊंगी उसके बाद, ताकि मैं आराम से चिल कर सकूँ. मेरा सच्ची दिमाग ख़राब हो गया था ये ग्लिच देख के, बट नाउ ऑल गुड. आई जस्ट फिनिश ऑल ऑफ माई वर्क एंड फुल लंच. आई मेड दिस कड़ी पत्ता एंड जीरा के तड़का वाले राइस. माई लव फॉर दिस टाइप ऑफ चावल ना इज ऑन अनदर लेवल. इट्स 1:30 राइट नाउ एंड नाउ आई एम गोना मेक माई आइस कॉफी फाइनली. अभी बज रहा है शाम के 5:30 और मैंने अभी जस्ट नहाया है, क्योंकि दिन में काम करने के बाद तब तक पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने उस टाइम नहाना स्किप कर दिया था. अभी मैं नहा के छत पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज करना है योगा. पिछले 2-3 दिन से मेरा ये जो योगा था वो स्किप हो रहा था, और आज मेरी बॉडी ने मुझसे कहा उठ बहन जा कर ले योगा. टुडे आई फील लाइक कि मुझे योगा कर लेना चाहिए, तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ एंड स्काई बहुत सुंदर दिख रहा है, तो पहले आप उसे देख लो. सी हाउ ब्यूटिफुल इट्स लुकिंग. लास्ट ईयर जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उस टाइम पे, पॉल्यूशन बहुत मिनिमाइज हो गया था और हमारे एनवायरनमेंट ने अपने आप को हील करना स्टार्ट किया था. उस टाइम पे इतने क्लियर क्लाउड्स दिखते थे, और अब जब वापस से लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा है, इस टाइम काफ़ी सारी चीज़ों की लाइबिलिटी है, बट फिर भी इस टाइम भी अपने आप को एनवायरनमेंट हील कर रहा है एंड रोज बहुत ही सुंदर क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं. और अभी सूरज भी बाहर आ रहा है, तो आई थिंक जब तक मैं योगा करूंगी सन सेट होने वाला होगा, तो मैं अब आपको मिलती हूँ योगा करने के बाद. लुक एट दिस सनलाइट गाइस, लाइक आई जस्ट डन विद यू योगा, माई बॉडी फील सो रिलैक्स एंड अब इतनी प्यारी सनलाइट आ रही है ना. नाउ आई एम गोना हैव फ्रूट्स. एंड कल की लाइव में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था इंस्टाग्राम लाइव पे कि आप रात तक व्लॉग क्यों नहीं करते हो. बेसिकली मुझे एडिटिंग के लिए प्रॉपर टाइम रखना होता है, क्योंकि डेली व्लॉग कर रही हूँ तो मेरे व्लॉग्स लेट ना हो और मैं अच्छी एडिटिंग करके आपको व्लॉग्स दे पाऊँ. दैट्स वाई मेरे को रात का टाइम रखना होता है कि मैं आराम से एडिट कर पाऊँ, क्योंकि शाम को कभी कभी कुछ काम आ गया, कुछ अटक गया, इसलिए मैं वो टाइम अपने लिए रखती हूँ सेपरेट. और अगर कुछ ऐसा रहता है जो मुझे रात में रिकॉर्ड करना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड करके दूसरे दिन के व्लॉग की स्टार्टिंग में डाल देती हूँ. दैट्स वाई मैं कंटिन्यूस पूरा दिन व्लॉग नहीं कर पाती हूँ. सो सॉरी फॉर दैट. एंड गाइस सीरियसली कैमरा जस्टिफाई नहीं करता है, इतना सुंदर वेदर हो रहा है अभी, लाइक सामने सनसेट होने वाला है, क्लाउड्स बहुत सुंदर लग रहे हैं और सारे पक्षी अपने घर जा रहे हैं, बहुत प्यारी हवा चल रही है. सो नाउ आई एम गोना एंजॉय दैट. और इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं यहाँ एंड करने वाली हूँ. एंड अगर आपके विंडो से आप अगर टेरेस पे जा सकते हो, तो प्लीज़ अपने बेड को छोड़ के, आलस छोड़ के एक बार जाके सनसेट इंजॉय करो. आपके माइंड को, आपकी बॉडी को बहुत रिफ्रेशमेंट मिलेगी और बहुत रिलैक्स कर देगा. तो प्लीज़ एक बार जाके उसे इंजॉय करो, बट डोंट स्टेप आउट योर हाउस. अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस वेदर एंड मैं अभी से एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा है, तो आराम से इत्मीनान से बैठ के एडिटिंग स्टार्ट कर. तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने कल के व्लॉग में. तब तक अपना ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, खुश रहो एंड या बाय बाय. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. बाय, टेक केयर.